ंडल्स यू कैन फॉलोज ऑन अंस्टाग्राम यू कैन ऑल्सो जॉइन टू द फेसबुक चैनल दैन ऑल्सो यू कैन जॉइन अ व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप डोन्ट फर्गेट टू द सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस विडियो टू दियर फ्रेंड्स बिकॉज यू नो दैट की फ्रेंड्स को भी हेल्प होगी आपके चलो

दो पार्टीज होनी चाहिए ठीक है अग्रीमेंट तो दो पार्टीज तो होगी और एक क्या दिया है प्री कंसेंट होना चाहिए प्री कंसेंट होना चाहिए पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट पार्टीज पार्टीज क्या होनी चाहिए कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए जो कि राइट पर्सन हो माइनर नहीं होना चाहिए वहां पर देन कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए फॉर दी लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन मतलब इन रिटर्न जो मिल रहा है वो लॉफुल हो वो इीगल नहीं होना चाहिए देन Also, there be नहीं चलेगा इन शॉर्ट तो मतलब पूरा ही एक तरीके से रिवाइज हो गया यहाँ पर चलो अब आते हैं फैक्ट पे एक्चुअल सिचुएशन क्या दिया देखो मिस्टर राजा ऑफर टू बाई मिस्टर राम कार फॉर अस बिस्टर राम रिफ्यूज पहले तो क्या हो गया मिस्टर राजा ने ऑफर किया किसको मिस्टर राम को वही कार बेचनी है कितने में बेचेगा पांच लाख में बेचना वाला तो मिस्टर राम ने क्या कर दिया रिफ्यूज कर दिया देखो आपको अगर इस तरीके से अगर नहीं समझ में आता ना तो वाइल रीडिंग दी क्वेश्चन आप क्या करोगे मिस्टर राजा ऐसे लिखोगे मिस्टर राजा ने किसको ऑफर किया मिस्टर राम कितने में फाइव लैक्स में क्या कार ऐसे लिखो ये काम आएगा आपकी क्यों क्योंकि आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होगी देखो कैसे Now subsequently, Mr. 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 Raja threatened to to kill Ram, Ram and Mr. Ram agreed to sell. Oh my God! यहाँ पे क्या हो गया Mr. Raja ने क्या कर दिया जैसे ही Mr. Ram ने refuse कर दिया सिंपली Mr. राजा राम उसको डरा दिया मतलब Mr. Ram को उन्होंने कुछ ना कुछ डराया तो होगा तभी तो Mr. Ram ने क्या कर दिया Agreement दे दी हाँ बोल दिया कि भाई मैं खरीद लूँगा। अब देखो सब्सिक्वेंटली रिसाइंडेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर राम सब्सिक्वेंटली रिसाइंडेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिसाइंड का मतलब होता है कि बाद में जाके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया वाइडेबल बना दिया वाइड बना दिया बिकॉज आई एम नॉट गिविंग माई कंसेंट फ्रीली मैंने मेरा कंसेंट फ्रीली नहीं दिया था सिंपली मिस्टर राजा सूट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट

क्यूट है वो स्टैंड नहीं करेगा चलो ये तो प्री प्रीडिटर्मिनेशन है पहले ऑप्शन देख लेते विल विल मतलब राजा राजा बिकॉज मिस्टर ऑफरिंग लॉफुल लॉफुल गाइस सिर्फ देने से सब कुछ सही होता है क्या नहीं कॉन्ट्रैक्ट के तो एलिमेंट होने चाहिए विल सक्सीड राजा विल सक्सीड बाइंग एंड सेलिंग फॉर अ कार इज अ लॉफुल नहीं लॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या हुआ फ्री कंसेंट कहां है ऑप्शन बी गेट्स एलिमिनेट

सॉल्विंग द क्वेश्चन अगर आपको ये प्रिंसिपल आपने घर पे बैठ के दस बारह बार पंद, दस बारह बार पढ़ा होगा ना तो गाइज रियली बोलता हूं अगर आप एक बार नजर घुमा दोगे आपको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब सिंपली क्या हो जाएगा यू विल गेट टू नो दैट कि ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में ये एलिमेंट्स होते हैं हमें बस उतना ही चेक करना है वो सारे एलिमेंट्स वहां पर है कि नहीं है एक बार सिचुएशन रीड कर लिया आपको पहले ही समझ समझ में आ जाता है कि यहाँ पे फ्री कंसेंट तो है ही नहीं बिकॉज राजा इज थ्रेटनिंग टू राम तो सिंपली यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा

कंसेंट क्या होता है रीड करना है दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है रीड करना है वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर जब लॉफुल कंसिडरेशन के ऊपर प्रिंसिपल आएगा यू हैव टू ओनली स्टिक टू दैट पार्ट जब लॉफुल लॉफुलेशन की बात की जाएगी ओनली स्टिक टू द लॉफुल लॉफुलेशन का पार्ट फ्री कंसेंट की बात की जाएगी ओनली स्टिक टू द फ्री कंसेंट का पार्ट यहां पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है ऑल दी एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट ऑल द एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट एक भी मिस नहीं होना चाहिए लेकिन जहां पर एक एलिमेंट की बात की जाएगी बाकी सारे एलिमेंट्स को निकाल दो प्रैक्टिकली वो है वो छोड़ दो बाकी सारे एलिमेंट्स को इग्नोर करो ओनली इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ अब यहां हैं फैक्चुअल सिचुएशन क्या, क्या बोला जॉय जो 27 इयर्स का बच्चा है वो क्या बोलता है विदाउट एनी कंसीडरेशन उसने क्या कर दिया मिस्टर मिसेस जोली को टेन थाउजेंड दे दिए अब मिस्टर जॉय फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस मतलब यहां पर क्या हो रहा है मिस्टर जॉय ने जो है ना कोई प्रॉमिस किया था वो तो फेल हो गया मिस्टर जॉली यूज मिस्टर जॉय फॉर द अमाउंट यहां पर क्या हुआ कि यहां पर मिस्टर जॉय ने अग्री किया था प्रॉमिस दिया था जूली को विदाउट कंसीडरेशन 10000 दे दूंगा तो दान में देने वाला शॉट मतलब यहां पे दान में देने जैसा हो गया एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट तो कोई बनता नहीं है बिकॉज होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर मैं टेन थाउजेंड विदाउट कंसिडरेशन दे रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा प्रिंसिपल तो मेरा यही बोलता है तो मुझे ये सब नहीं सोचना है कि ये गिफ्ट है वगैरह वगैरह ये सब मुझे नहीं सोचना है प्रिंसिपल में क्या बोला इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट इट्स नॉट गिविंग द द डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट अगर गिफ्ट की डेफिनेशन होती तो बात अलग है यहाँ पे गिफ्ट की डेफिनेशन नहीं है डोंट थिंक अबाउट दैट कि गिफ्ट इज ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट देर ये सारी बातें यहाँ पे नहीं सोचनी है यहाँ पे इतना ही सोचना है कि दिस इज ओनली द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कंसिडरेशन होता है दोनों साइड से होता है मतलब यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या ये प्रॉमिस एनफोर्स करने के लिए जूली सक्सेसफुल होगी नहीं होगी चलो पहले देख लेते हैं ऑप्शन एस एज मिसेस सक्सीड विल सक्सीड बोला है

से करके जाओ बहुत ज्यादा हेल्पफुलगल प्रिंसिपल्ट्रैक्ट इफ दे आर अड बाई दी कंसेंट ऑफ दार्टीजिटेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट अगेन द सेम चलो देखते हैं

एंड एट द लोअर प्राइज यहाँ पर बाद में बी को रियलाइज होता है मतलब बी जो ऑफर कर रहा है वो प्राइज और यहाँ पे ए जो ऑफर करने वाला था वो प्राइज इसमें बी हाई प्राइज ऑफर कर रहा है और ए लो प्राइज ऑफर कर रहा है यहाँ पर ए लेटर रिफ्यूज टू एक्ट द सेल डीड एंड क्लेम दैट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज वॉज नॉट वैलिड ए बोलता है कि बाद में ए ने क्या कर दिया रिफ्यूज कर दिया टू एक्जीक्यूट द सेल डीड बिकॉज

ऑप्शन सी गिवन फैक्ट सर्कमस्टेस इवन विद प्री कंसेंट अ हायर प्राइस ये तो मोरल हो गया ये कहां आएगा प्रिंसिपल जस्टिफाइड होना चाहिए ऑप्शन डी से सक्सीड बिकॉज देयर इज लॉफुल ऑब्जेक्ट इन भी गलत है ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर अनसाउंड माइंड Very mind. Guys, और एक बात यहाँ पे अगर ऐसा कोई प्रिंसिपल आपको दिखाई देता है नीचे अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है डायरेक्टली आंसर को नीचे जाके मार्क कर दो की भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल सकता फेल होगा ही होगा

तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड हाँ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज इन वैलिड तो नहीं होगा बिकॉज प्रिंसिपल बोलता है कि मैं, मतलब वो कर सकता है चलो द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ मिस्टर जमाल नहीं एट दी ऑप्शन ऑफ मिस्टर जमाल नहीं होगा जो दूसरी पार्टी है ना उसके पास हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ अपोजिट पार्टी गाइज यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके लिए होगा कि क्या यहाँ पर मुझे ऑप्शन डी करेक्ट बोलना है कि ऑप्शन ए करेक्ट बोलना है पहले क्वेश्चन तो ये दिमाग में आएगा, आएगा आपके अब पहले ये समझो यहां पर उसने चैलेंज किया चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ग्राउंड दैट मतलब यहां पर केस करने वाला कौन है ये खुद खुद ये पेटिशनर है सामने डिफेंडेंट बैठा हुआ है

पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट गाइज देखो यहां पर ध्यान दो दिस इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट दिस इज नॉट अ लीगल राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ हियर कम्स द ट्रिक यहां पर देखो टाइप्स ऑफ राइट होते हैं टाइप्स ऑफ राइट्स टाइप्स ऑफ राइट्स एक बार अच्छे से रीड कर लो टाइप्स ऑफ राइट्स कौन से कौन से है अगर एक हाथ पूछ लिया तो बड़ा हेल्प होगा जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर अगर हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right की बात आती है फंडामेंटल राइट्स की बात आती है लीगल राइट्स की बात आती है सब्सटेंटिव राइट्स की बात आती है बहुत सारे राइट्स होते हैं तो डू अंडरस्टैंड उनको एक बार अच्छे से रीड करना नेचुरल राइट्स होते हैं इंटरनेशनल राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स होते हैं बहुत सारे टाइप्स के राइट्स हैं एक बार उनकी मीनिंग्स को गो थ्रू कर लो नाउ बाय यूजुअल प्रोसीडिंग इन एनी

तो सिविल कोर्ट कहाँ जाएंगे हम लोग चेन्नई में जाएंगे चलो ठीक और और है एक कोर्ट होता है, मतलब है, है समझो यहाँ पर एक कोर्ट है अब यहाँ पे एरिया में जितनी भी केसेस होंगी ना वो सारी इस कोर्ट में जाएंगी मतलब इस कोर्ट का जुरिस्टिक्शन क्या होगा ये जो एरिया है जस्ट लाइक like दिल्ली ये दिल्ली है तो ये दिल्ली का जो जुरिस्डिक्शन है वो इस कोर्ट के पास होगा मतलब जितनी भी केसेस दिल्ली में होती है वो यहां पर जाएगी अब इन्होंने क्या किया कॉन्ट्रैक्ट किया दिल्ली में और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये स्टेट करके रखा कि हम जब केस करेंगे कोई डिस्प्यूट होगा तो हम जाएंगे सिविल कोर्ट और वो कहां होगा चेन्नई में चलो ठीक है अब यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पे फैक्ट ये बताया गया कि ना ए दिल्ली में रहता ना ए चेन्नई में रहता है ना बी चेन्नई में रहता है दोनों भी चेन्नई में नहीं रहते हैं अब देखो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ जुडिस का पॉइंट बोला सर कैसे आंसर करूं सीधा जाओ प्रिंसिपल पे एक बार प्रिंसिपल खुद को रिमाइंड कर लो प्रिंसिपल क्या है अग्रीमेंट इज अवॉइड टू द एक्सटेंट दैट इट ड्रेस्टिक्स एप्सोलूटली अ पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बाय यूजुअल प्रोसीडिंग इन ऑर्डिनरी कोर्ट मतलब अगर कोई अग्रीमेंट एक पर्सन की कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right को एक्सरसाइज करने में रेस्ट्रिक्शन ला रही है तो ऑटोमेटिकली वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगी वाइड हो जाएगी ना इन दिस केस क्या हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट यही हो सकता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ए जो है एज पर कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में केस नहीं कर सकता इन एनी केस मतलब उसको चेन्नई में करना पड़ेगा बेसिकली दिस अग्रीमेंट इज रेस्ट्रिक्टिंग दैट एज राइट टू स्यू दैट अदर पार्टी इन केस ऑफ डिस्प्यूट

मतलब मतलब निकाल लेना नहीं करने देता, exercise नहीं करने करने देता देता किसको jurisdiction of competent, competent, competent court. मतलब उस competent court का जो jurisdiction है ना वो खत्म कर रहा है चलो ठीक है बात तो सही है बट प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं है क्योंकि जूरिसिक्शन का तो प्रिंसिपल नहीं है चलो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज कंसेंट ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड बिफोर एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट

Have expertise with respect to the contractual matters. अब देखो यहां पे चेन्नई कोर्ट एक्सपर्टाइज है कि नहीं है ये हम तो डिसाइड कर नहीं सकते तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है दूसरी चीज यहाँ पर बोला हुआ है वैलिड तो होगा नहीं ये तो हमें पता है ठीक है क्योंकि स्टिल दे आर इंडियन कोर्ट बोलना ये तो हमारा ओपिनियन है ना कोई लॉ थोड़ी ना ये स्टेट कर रहा है कि इंडियन कोर्ट है तो उसकी जुरिस्टिक्शन वही होनी चाहिए बिकॉज एवरी स्टेट है उनके खुद के हर एक रीजन में अपना एक कोर्ट है उसका अपना एक जोशन है तो सारी इंडियन कोर्ट एक ही जगह पे आती है ऐसा तो नहीं है सिंपल ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेट अब बचे दो ऑप्शन अब दोनों में हमें जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन देखना होगा कि कौन सा हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से चल रहा है हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बी बी को डिस्कस किया था में ये बोला था कंसेंट ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड कंसेंट ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड बाय वॉय मतलब क्यों क्यों लेना है मुझे मैं कंसेंट क्यों लेने जाऊं कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी कोर्ट में जाके मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंटली लेना पड़ता तो सिंपली बी गेट्स एलिमिनेट ऑप्शन ए इज योर करेक्ट Guys, अब डू अंडरस्टैंड बात है करेक्ट आंसर इट सिंस दैट इट इज इन करेक्ट इज इन करेक्ट बट इट इज द्लोज टू द करेक्ट बिकॉज ऑफ दैट इनडायरेक्ट आइडिया ऑफ द प्रिंसिपल इनडायरेक्ट आइडिया ऑफ द प्रिंसिपल का, yes, का मतलब क्या होता है? यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right की बात की गई है

वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नहीं है, पे है, दिया गया है और में, वो इंपॉर्टेंट है तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझना और आंसर करना इस, मतलब बहुत ज्यादा ट्विस्टी भी है समझनाटेंट दैट इज द रीजन ये मोटेक्टेड क्वेश्चन नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस क्वेश्चन और भी कुछ बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा देखो पहली चीज आपको फ्रॉड का इंपॉर्टेंट मतलब, दूसरा मिसरिप्रेजेंटेशन मिसरिप्रेजेंटेशन का जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसको रीड कर लो सेम 20 25 बार रीड कर लो ज्यादा टाइम नहीं लगता 20 25 मिनट लगते इतना को रीड करने के लिए Then, मिस्टेक मिस्टेक में दो मिस्टेक है एक है मिस्टेक ऑफ द फैक्ट दूसरा है मिस्टेक ऑफ द लॉ थरली याद होना चाहिए दोनों भी थरअली याद होना चाहिए बाय वर्ड क्यों क्योंकि दोनों भी प्रिंसिपल के साथ फैक्ट के अनुसार आते हैं फैक्ट के लिए आते हैं और बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं बट जस्ट बिकॉज ऑफ विदाउट नोविंग दी प्रिंसिपल हम उसको रीड करने में नहीं जाते और फंस जाते हैं तो ऐसा मत करो रीड कर लो बहुत हेल्प करेगा अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ये जो तीन हो गए ये तीन तो इम्पोर्टेंट है आपको करने ही है बट अदर अदर देन दैट जितनी भी कॉम्पिटेंट जितनी भी कंपोनेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के जो कि कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आते हैं वो तो आपको करने ही होंगे बाकी जो एडवांस लेवल की जो डेफिनेशन है एडवांस लेवल की प्रोसेस जो है जैसे कि बेलर का है प्लेजी का है तो वो सब करने मत जाना ऑल दीज आर लाइक वो ज्यादा एडवांस्ड है और इतने इन डेप्थ में आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आई विल रिकमेंड यू कि भाई प्लेज वगैरह को पढ़ लो बट इतना भी उसके एनडेप्थ मत जाना कि उसमें रिसर्च करना शुरू कर दो टाइम वेस्ट मत करो इतना टाइम है नहीं आपके पास तो सिंपल जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करो और सॉल्व करो दैट विल हेल्प यू मच मोर जो कि आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा सो दिस मच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू ऑल दै जो कॉन्सेप्ट मैंने बताई है उनको रिवाइज करो दैट विल हेल्प यू टू साल्व द क्वेश्चन ओके थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डोट फॉर गेट टू सब्सक्राइब द चैनल शेयर दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो इफ दर इज एन इक्वारी थैंक यू सो मिट विल मिट इन दैक्स वीडियो